हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का ब्लॉग मैंने तो फेयर से शुरू किया है और अब यहाँ पर मैं भून रही हूँ। ये रखा हुआ था मेरे पास चिवड़ा, जो चावल का होता है, तो बस यहाँ पर मैंने वो तल दिया है थोड़ा सा देसी घी डाल के। इसमें थोड़ा सा देसी घी, रिफाइंड तेल, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला और फिर उसको धीरे धीरे गैस करके उसको तल दिया है अच्छे तरीके से। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं, ये मूंगफली थी नवरात्रों में जो लेके आए थे वो बची हुई थी, इसको भी पहले देसी घी में फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद चिवड़ा तला, मतलब सॉरी भुना, और भुनने के बाद इसमें मैंने मूंगफली की गिरी भी मिला दी। और मूंगफली की गिरी मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च हल्की हल्की सी डाली है, बच्चों के हिसाब से डाला है क्योंकि उन्हें हल्की हल्की से मिर्च नमक ही पसंद आते हैं। और सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और आप लोग चाहो तो इसमें कुछ भी कर सकते हो, नमकीन मिला लो, बूंदी मिला लो, चने मिला लो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था घर पे और मार्केट भी बंद थी, तो बस यही था, इसी का बना दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, काली वाली मसूर की दाल बनाई है, बस उसी को छोक रही थी। टमाटर वगैरह मैंने पेस्ट करके रख लिया था और अब मैंने यहाँ पर दाल छोक दी है, फ्राई कर दी है। और इसके बाद मुझे चावल भी बनाने हैं, तो बस पहले दाल बनाई है और इसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। और अब मेरी यहाँ पर दाल बन चुकी है, दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मैंने ये कढ़ाई में से रिताकर इस भिगोने में कर दी थी क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा हो गई थी दाल और वो जब उसमें उबाल आ रहा था तो वो बार बार बाहर निकल रही थी, इसीलिए मैंने इस दाल को भिगोने के अंदर कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने चावल भी बना दिए हैं, इस तरफ मेरे चावल भी बन के हो चुके हैं तैयार। और मैं चावल हमेशा कुकर में ही बॉईल करके बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, मांड भी नहीं निकलता है उसका। और मेरे दाल और चावल दोनों हो चुके हैं तैयार, तो आप लोग भी आइए और टेस्ट कीजिए, कर सकते हो आप भी टेस्ट कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये है चावल का पानी, इसको जो है हम प्लांट्स में ऐसे डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस पानी में जो है ना थोड़ा सा सिंपल पानी भी लेंगे, डायरेक्ट जो है खाली चावल का पानी नहीं, चावल के पानी में जो है ना थोड़ा सिंपल पानी भी मिला लेंगे। इसको जो है फर्टिलाइजर्स ये मिल जाता है पौधों को, इसलिए अपना घर का जो कोई भी कूड़ा कचरा सब चीज़ है उससे भी हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं और ये सब प्लांट में डाल सकते हैं, आपके प्लांट बहुत हरे भरे रहेंगे इससे। और आपको इसको नाली में तो डालोगे तो वहाँ मत डालो, इसको किसी जग वगैरह में लेके। और अब मैं यहाँ पर ये लौंग भून रही हूँ, ये मैंने इस तरीके से गैस पे 5-6 लौंग थी रख दी थी और अब मैंने इसको गैस ऑन कर दिया था। यहाँ को हल्की हल्की सी खांसी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसको खांसी थी। और मैं हमेशा उनको ऐसे ही लौंग भून के देती हूँ दोनों को, उससे खांसी एकदम ठीक हो जाती है। और आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता। और अब यहाँ पर मेरी लौंग ये भुन चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे काली काली सी हो जाती है, राख के तरीके की हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती हैं। और अब मैं इन्हें लेके जा रही हूँ इहा के पास और ये इहा को खिला दूँगी। ये मैंने इहा को दे दिया है, इहा लेटी हुई है यहाँ पे आराम से लेट के टीवी देख रही हैं और ये मैंने इहा को खिला दी है लौंग, अच्छी लगती है, आप लोग भी कभी ट्राई कर। और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मलाई, काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी और मैं इनसे यही कह रही थी कि आज घी निकाल दो। और मलाई भी इसलिए ही निकाली थी ये भी क्योंकि मुझे घी भी निकलवाना था इनसे, मुझे तो आता नहीं है निकालना, यही निकालेंगे घी भी। तो बस इन्होंने कहा ठीक है फटाफट इसकी मलाई भी निकाल के इकट्ठी कर दो, मैं निकाल दूँगा, तो बस उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। और अब यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है ये बटर, मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया है। और यहाँ भी की है छुट्टियाँ बिल्कुल, तो फुल हो रहा है इनका एंटरटेनमेंट और आराम से बैठ के खा रहे हैं खीरे और साथ ही साथ में टीवी भी देख रहे हैं,
टीवी चलाया हुआ है इन्होंने, और खीरे भी खा रहे हैं ये। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पर समोसे। समोसों की तैयारी कर ली है मैंने, आलू बॉईल कर लिए थे थोड़ी देर पहले किए थे, और इसमें मैंने सारा मसाला मिला दिया है। मैं इनको सामने बैठ के इसलिए दिखा रही थी कि कभी तेज़ हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि ये नमक बहुत ही ज़्यादा फीका खाते हैं, और मैं और ये बहुत तेज खाते हैं, इसी वजह से इनके सामने बैठ के मसाला मिला रही थी। और इसको बाद में मैं फ्राई करूँगी कढ़ाई में डाल के, और ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, वो तो आप लोगों को मालूम ही है कि मेरी पूरी हेल्प कराते हैं। तो ये मैदा गूंद रहे हैं, और मैं यहाँ पर समोसों की पिट्ठी तैयार कर रही हूँ। बस इसके बाद ये दो सारा मटेरियल तैयार करके फिर हम समोसे बनाएंगे, और वो रेसिपी मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। और देखो इन्होंने कितनी अच्छी मैदा भी गूंदी है। इसको हम ऐसे कर देंगे, और इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे ये ले पूरा ये ऐसे, ये इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे जो है ना, हम इसका पूरा दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो हम इसमें ये पनीर डाल देंगे दो पीस, फिर टू पीस हमने पनीर डाल दिया यहाँ पर। और इसमें जो है ये हमारी पिट्ठी है, ये रही पिट्ठी, ये पिट्ठी इतनी डाल देंगे इसमें, ये इसमें पिट्ठी पर्याप्त है। इसमें फिर ये वो लगाएंगे वाटर इसके चारों तरफ, ठीक है। अब इसको वाटर लगा के इसको हम ऐसे ये ऐसे ये इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसको जब भी फोल्ड हो जाएगा तो फिर हम इसको ऐसे रखेंगे हाथ से, फिर इसको यहाँ पे हम ऐसे। और अब यहाँ पर हम दोनों पहले समोसे सारे हमने भर लिए थे, जो इनकी पिट्ठी वगैरह थी वो सारे फटाफट भर रहे थे, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि पहले भर के रख लेते हैं उसके बाद में तलेंगे, क्योंकि इन्हें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे गैस में सेकने होते हैं। तो बस यहीं पर मैं फटाफट बेल रही हूँ, और ये भर रहे थे। और अब यहाँ पर समोसे बनके तैयार हो गए हैं, आप लोग देखो कैसे बनाए हैं। जैसे भी बने हैं, ज़्यादा टेस्टी तो बने नहीं हैं, बट जैसे भी बने थे बना दिए हैं, और आप लोग भी आकर चेक कर सकते हो कि कैसे बने हैं, और आप बताना कि हमने कैसे बनाए हैं समोसे।